ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी पर्टिकुलर हाइट पे बॉडी का वेट सरफेस के ऊपर जो वेट है उसका हाफ हो जाता है, यही बोल रखा है। और हमें पूछा है कि वो हाइट कितनी होगी जहाँ पे बॉडी का वेट सरफेस के वेट से हाफ हो जाए। तो वो अगर हम किस हाइट पे बढ़ते हैं, सरफेस से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो डिक्रीज़ होता जाता है। कैसे? ग्रेविटेशन का फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो देखो ये अर्थ है और ये आप बॉडी है, ठीक है, तो अर्थ और बॉडी के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, यानी आर बढ़ रहा है तो एफ डिक्रीज होगा। तो इसलिए बोला है कि वेट डिक्रीज हो रहा है। तो वेट क्या होगा यहाँ पे? वेट होगा कि किस फोर्स से हमें अर्थ पुल कर रहा है, वही वेट होता है। तो वेट होता है फोर्स बाय ग्रेविटी, यही अपना वेट होगा। ओके, जब हम सरफेस के ऊपर है, जब हम सरफेस के ऊपर हैं तब वेट क्या होगा, यानी फोर्स क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ये होगा रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हमें डिस्टेंस लेना है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, ये होगा अर्थ के सरफेस के ऊपर अपना वेट। और अगर हम किसी हाइट पे चले गए तो वेट क्या होगा, फोर्स क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, आर प्लस एच। मान लो अपन एच हाइट पे गए अर्थ के सरफेस से, तो ये फोर्स होगा। अब अपनी कंडीशन जो फर्स्ट है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर वाली टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो इसको अपन लिख सकते हैं टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लो तो क्या आएगा, रूट टू आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। तो यहाँ से एच आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं रूट टू आर प्लस आर इज इक्वल टू एच, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा, आर कॉमन ले लो, रूट टू माइनस वन, राइट। ये होगा अपना हाइट। इस हाइट पे पहुँचते ही अपना वेट क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ अर्थ सरफेस पे जो है उसका हाफ हो जाएगा। और वो किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।